हक की बात। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के खास बुलेटिन में। एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आपके लिए हक की बात, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े मुद्दे, लेते हैं आपकी राय और करते हैं आपके हक की बात। तो आज का मुद्दा एक बार फिर से किसानों पर। दरअसल हरियाणा, पंजाब, यूपी और दिल्ली की सीमाओं पर लगातार चल रहे किसान आंदोलन को 10 महीने पूरे होने को है, लेकिन किसानों और केंद्र सरकार के बीच अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। किसान लगातार सड़कों पर डटे हैं और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार है कि बातचीत को तैयार ही नहीं। सरकार कह रही है कि आप सशर्त हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि अगर आप बिना किसी शर्त के बात करना चाहें तो करें, नहीं तो कानून रद्द होने तक किसान तो सड़कों पर ही बैठे रहेंगे। और इसी मामले में अब एक नया रुख भी अख्तियार लिया गया है। किसानों के धरने के चलते दिल्ली यूपी सीमा पर सड़क बंद होने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर खरी सुनाई है। सड़क बंद होने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों पर फिर सवाल उठाए और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अभी तक सड़कें बंद क्यों हैं, सड़क पर ट्रैफिक को इस तरह से रोका क्यों जा रहा है और सरकार को कोई हल निकालना इसका चाहिए और अभी तक सरकार ने हल क्यों नहीं निकाला। इस तरीके के सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कई फैसले भी लिए हैं। सड़क के रूट इस तरह से बंद नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन सड़कों पर आवाजाही को रोका नहीं जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र और यूपी सरकार को 2 हफ्ते में हल निकालने का कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें आपस में सहयोग करें ताकि आम लोग परेशान न हों। शीर्ष अदालत ने कहा है कि आपको बहुत समय मिल चुका है, अब कुछ कीजिए। 20 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी और तब तक देखा जाना चाहिए कि क्या इस पर हो सकता है। ये बातें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, लेकिन अब सवाल एक बार फिर से वही खड़े हैं कि आखिर लगातार जो 10 महीने पूरे होने को है इस आंदोलन को, जो लगातार ये आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर क्या कुछ सहमति बन सकती है, क्योंकि लगातार सरकार और किसान एक अपनी रुख पर जो उन्होंने अख्तियार है उस पर अड़े हुए हैं। कोई भी झुकने को तैयार नहीं है और लगातार किसान और सरकार आमने सामने है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ सवाल बता देते हैं जिन पर आज आपकी राय जानना चाहेंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर वो सवाल जिस पर किसान और केंद्र के बीच कब बनेगी सहमति, यह सवाल आखिर कब तक सड़कों पर रहेंगे किसान, इसका जवाब आपसे चाहेंगे, आपसे अपने विचार क्या रद्द होंगे तीनों कृषि कानून इस पर चाहेंगे, आप अपने विचार साझा कर सकते हैं। और मानेगी सरकार या लौटेंगे किसान, ये इस समय का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्या इस आंदोलन के चलते होने वाला है, सबसे लंबे आंदोलन का आखिर क्या हल होगा। अब नंबर्स भी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, लगातार इन नंबर्स पर कॉल कर आप हमें अपने विचार साझा हमारे साथ कर सकते हैं और अपनी राय हमें दे सकते हैं किसानों के मुद्दे पर। किसान आंदोलन को लगातार 10 महीने पूरे होने को है, जिस पर अब कब ये जो किसान आंदोलन है वो खत्म होगा, ये बड़े सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। और अब क्या रद्द होंगे तीनों कृषि कानून, ये भी बड़े सवाल हैं। और किसान और केंद्र सरकार के बीच कब सहमति बनेगी और आखिर कब तक सड़कों पर इसी तरीके से किसान रहेंगे। 9 महीने कुछ दिन का समय बीत गया है, 10 महीने पूरे होने को है और अगर इसी तरीके से आंदोलन चलता रहा तो अभी ये सबसे लंबा आंदोलन बन गया है। तो चलिए एक बार फिर से बात हक की कर लेते हैं। हक की बात में एक बार फिर से बात मुद्दे की, किसान आंदोलन की, जो लगातार लंबे समय से चलता आ रहा है और इस पर आपके जवाब आपसे जानना चाहेंगे। सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर है, नंबर्स भी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करें, तुरंत अपना फोन उठाएं, कॉल करें और हमें अपनी राय दीजिए, क्योंकि हक की बात वो मंच है जहां आपसे जुड़े मुद्दे उठाए जाते हैं और आपसे आपकी राय लेकर आपकी हक की बात की जाती है। चलिए दर्शक हमारे साथ शेर सिंह जुड़ चुके हैं। शेर सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ जी मैम, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एनबी न्यूज चैनल का जो हमारी आवाज जी। हाँ जी, हाँ जी मैम, सबसे पहले तो मैं एनबी न्यूज का बहुत ज्यादा शुक्राना करना चाहता हूँ जी, शुक्राना करना चाहता हूँ। साड़ी आवाज भी जहाँ तक पहुँचाते हैं, एक बहुत ज्यादा थोड़ा धन्यवाद है पहला था। हाँ जी, हाँ जी जी, इस मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहेंगे शेर सिंह जी, क्या लगता है कि किसान कब तक अपने घर वापस लौट जाएंगे, क्योंकि अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है किसान और सरकार दोनों ही अपनी बातों को लेकर अड़े हुए हैं, क्या लगता है आपको? शेर
शिव सिंह से आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। बहुत शुक्रिया शेर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कीमती विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन किसान आंदोलन, जिसको 10 महीने का समय पूरा होने वाला है, लेकिन ये आंदोलन अभी भी उसी रफ्तार से जारी है और अब देखना होगा कि ये रफ्तार कब थमती है, कब इस पर फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार कब किसानों के साथ बातचीत करती हैं, और केंद्र सरकार और किसानों के बीच कब सहमति बनती है, ये देखने वाली बात होगी। सवाल बड़े हैं कि किसान और केंद्र के बीच सहमति कब बनेगी, आखिर कब तक सड़कों पर किसान डटे रहेंगे। 10 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और कितना समय किसानों को सड़कों पर रहने वाले हैं किसान, ये देखना अहम होगा। और कब बिना शर्त के जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो किसानों को आमंत्रित करेगी और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेगी। सवाल एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर दिए गए हैं और इसी के साथ नंबर्स भी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। लगातार हमें कॉल करिए, फोन उठाइए और अपनी राय हमें दीजिए इस मंच के जरिए, अपने विचार हमसे साझा करिए। क्या रद्द होंगे तीनों कृषि कानून, इस पर आपको क्या लगता है कि आखिर किसे पीछे हटना होगा? क्या किसानों को ही बिना किसी हल के घर जाना होगा या फिर केंद्र सरकार इस पर कोई ना कोई फैसला ले सकती है? मानेगी सरकार या लौटेंगे किसान, यह बड़ा सवाल है। सबसे लंबे आंदोलन का आखिर क्या हल होने वाला है, इसका हल क्या होगा, इस पर भी आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर, इस मामले में आपकी क्या राय है, जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, इन नंबर्स के जरिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और इस मंच के माध्यम से अपनी राय, अपने विचार आप साझा कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इस मंच के माध्यम से अपनी बातें सीधे सरकार तक पहुंचा सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, यूपी और दिल्ली की सीमाओं पर लगातार किसान आंदोलन चल रहा है और ये अब सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन किसानों का बन गया है। आपको बता दें कि इससे पहले ब्रिटिश शासन में 9 महीने तक एक आंदोलन चला था जिसमें किसानों की जो जमीन थी उस पर उनको पेड़ भी लगाने तक का अधिकार नहीं था, पेड़ों को काटने तक का अधिकार नहीं था, जिसकी वजह से लगातार जो ब्रिटिश शासन था वो किसानों की जमीनों को हड़प कर व्यापारियों को और सूबेदारों को सौंपना चाहता था, जिसके बाद किसानों ने उस समय प्रदर्शन किया था। 9 महीने तक वो प्रदर्शन चला था जिसके बाद हल हुआ और अब इसी तरीके का ये किसान आंदोलन 9 महीने से ज्यादा समय से चल रहा है। 10 महीने इसे 9 तारीख को पूरे हो जाएंगे। 9 अगस्त 2020 को ये आंदोलन शुरू हुआ था और आज 23 अगस्त, 9 महीने से ज्यादा का समय हो चला है और अभी अगली 9 तारीख को इस पूरे आंदोलन को 10 महीने होने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। किसान लगातार सड़कों पर डटे हैं और लगातार कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि बातचीत को ही तैयार नहीं है। किसान हर एक वो हथकंडा अपना रहे हैं जिससे उन्हें लगता है कि सरकार माने, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। अभी आपने देखा लोकसभा और राज्यसभा का दिल्ली में जिस तरीके से सदन चला, लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही हुई, उस समय भी जंतर मंतर पर किसानों ने लगातार प्रदर्शन किया और अपनी ही किसान संसद चलाई। लेकिन इस बीच भी कोई भी जो केंद्र के अधिकारी हैं, सरकार के कोई नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, कोई भी किसानों से मिलने नहीं पहुंचे, चाहे वो विपक्ष के हों चाहे फिर सरकार के। लेकिन अभी किसानों की आवाज़ को बुलंद करना जरूरी है और इसी आवाज को बुलंद करने के लिए हमने ये मुद्दा उठाया, तो इस मुद्दे पर जुड़िए आप हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। सवाल बड़े हैं कि आखिर किसान और सरकार के बीच कब सहमति बनने जा रही है। आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है, कितना लंबा और ये किसान आंदोलन चल सकता है, इस मुद्दे पर अपनी राय दीजिए। तो जुड़िए हमारे साथ इस मुद्दे पर। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। किसान और केंद्र के बीच कब सहमति बनेगी, आखिर कब तक सड़कों पर किसान डटे रहेंगे और क्या ये तीनों कृषि कानून जिनको लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है क्या वो रद्द होंगे, इस मुद्दे पर अपनी राय दीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और जुड़िए हमारे साथ फोन लाइन के जरिए और अपनी आवाज बुलंद कीजिए। हक की बात वो मंच है जहाँ हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं और आपसे आपकी राय लेकर आपके हक की बात करते हैं, आपकी आवाज़ बुलंद करने का काम करते हैं। तो आप भी इस मंच के माध्यम से जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। बड़े सवाल कि मानेगी सरकार या लौटेंगे किसान, इस मुद्दे पर अपनी राय रखिए। आपको बता दें कि हरियाणा, पंजाब, यूपी और दिल्ली की सीमाओं पर लगातार जो किसान आंदोलन चल रहा है
वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दर्शक हमारे साथ बलविंदर सिंह जुड़ चुके हैं। बलविंदर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? किसानों के मुद्दे पर बलविंदर जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से लगातार आंदोलन चल रहा है, आपको क्या लगता है कि इसका हल क्या हो सकता है? इसका हल किसान तीनों कानून वापस लेके हल होएगा, नहीं किसान अपनी स्थान से वापस नहीं मुड़ेंगे मैम। ठीक है बलविंदर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे साथ रखने के लिए। और जिस तरीके से लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, इसी तरीके से आप भी जुड़िए। फोन लाइन के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस मंच के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं। चलिए तो इसी पर कुंवर सिंह जी किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंवर सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि लगातार किसान आंदोलन चल रहा है और 10 महीने पूरे होने जा रहे हैं किसान आंदोलन को, लेकिन सरकार बात करने को तैयार नहीं। देखिए, सरकार पूरी तरह से किसानों को दमन करना चाहती है और पूंजीपतियों के इशारे में पूंजीपतियों के द्वारा बनाए गए तीनों काले कानून को लागू करके वो किसान को बदवा मजदूर बनाना चाहती है। किसान अपनी अगली पुश्त को मजदूर ना बना सके और अपने धरती माँ को, जिसको जिसके सीने को चीर कर वो 130 करोड़ लोगों को खाना पहुंचाता है, इसलिए किसान चाहता है कि ये तीनों काले कानून वापस हो। और जब तक तीनों काले कानून की वापसी नहीं होगी, तब तक किसान मानने वाला नहीं है। मोदी सरकार को मानना पड़ेगा, नहीं तो मोदी सरकार की रवानगी तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहने वाला है, लेकिन सरकार तो बातचीत को तैयार नहीं है। सरकार सशर्त आपसे बातचीत करना चाह रही है, लेकिन किसान चाहते हैं कि बिना शर्त के बात हो। आपको क्या लगता है कि अब जो वार्ता का दौर बंद है वो कब तक शुरू हो सकता है और आगे आपकी क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? देखिए, सरकार ने 12 दौर की बातचीत की थी। चौथे दौर में सरकार ने पूछा था किसानों से कि आप बताएं कृषि के कानून में काला क्या है, तो 1.5 घंटे तक किसान यूनियन के नेताओं ने सरकार के प्रतिनिधियों को बताया। फिर पांचवे दौर की बातचीत हुई तो किसान प्रतिनिधियों ने सरकार के प्रतिनिधियों से पूछा कि आपने हमसे तो पूछ लिया, अब आप बता दीजिए कि आपके कानून में सफेद क्या है। तो उन्होंने कहा सिर्फ 4-5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल बनाइए, हम उसको बताएंगे। सरकार जब 4 या 5 लोगों को नहीं समझा सकती, 40 लोगों के प्रतिनिधिमंडल को ये नहीं बता सकती कि काले कानूनों में सफेद क्या है, तो इतने बड़े किसानों को कैसे समझा पाएगी? रही बात हम आगे की रणनीति, अहिंसावादी देश के लोग हैं, अंग्रेज 150 साल में गए, इनको भी जाना होगा। जब तक आंदोलन जारी रहेगा, जब तक कानून वापसी नहीं हो। कुंवर सिंह जी, आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को इस समय खरी सुनाई है, उन्होंने साफ कहा है कि किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन आप सड़कों को इस तरीके से बंद नहीं कर सकते। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का स्वागत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये भी सोचना चाहिए कि जो 10 महीने से आंदोलन में बैठे हैं उनके बारे में भी आप निर्णय पारित करिए। सरकार को आप कहिए कि यदि आप देश में लोकतंत्र है, जनता का राज है और किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो आप बिल वापसी करिए। नहीं वापसी करने में, आप जो बिना मांगे आपने बिल दिए, यदि जनता और किसान चाहते हैं कि बिल वापसी हो, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है कुंवर सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कीमती समय हमें देने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हक की बात में, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े मुद्दे, लेते हैं आपकी राय और करते हैं आपके हक की बात। किसानों का मुद्दा आज हमने हक की बात में उठाया और इसी पर तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार अपनी राय दे रहे हैं। अगले दर्शक जुझार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुझार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप किसानों के मुद्दे पर? हाँ जी जुझार जी, लगातार किसान सड़कों पर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ जुझार जी क्या लगता है, लगातार जो सरकार बातचीत का दौर बंद किए हुए है, क्या लगता है कि बिना शर्त के बातचीत के लिए मानेगी सरकार? सरकार ऐसा जी बिना शर्त से नहीं मंगे मनेगी, पर सरकार जितनी देर है किसानों का मतलब आंदोलन है ना जी, सरकार पर दबाव नहीं बनेगा उतनी देर सरकार नहीं मानेगी। हाँ जी, ऐसा जी सरकार मान लेगी तो अच्छा है। देखो छोटे किसान है, इस तीनों काले कानून जो बनाए हैं छोटे किसान इसमें बिल्कुल खत्म हो जाएंगे जी। सरकार को बड़ी भली भली बात पता है भी, देखो जो छोटे किसान है भी इनका क्या बनेगा, मतलब एक छोटा किसान है उसके पास एक एकड़ है जमीन, वो अपनी फसल कहाँ लेके जाएगा 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जो सरकार कह रही है, अफसर जो अपने शाहूकार है वो कहाँ जाके अपना बेचेगा जी शाहूकार को जी। इसका सीधा यही समाधान होना चाहिए भी, इसका जल्दी कोई ना कोई समाधान हो जाए। मोदी सरकार को बहुत भली बात पता है भी सरकार किसान नहीं हटेंगे, किसान नहीं हटेंगे, किसान भी बड़ा अड़िया रवैया अपना अपना ही बैठे हैं जी। उनको देखो 9 महीने के लगभग टाइम हो गया, सरकार उनकी बात मान लेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा है जी। तो बिल्कुल हाँ जी ठीक है जुझार जी, जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़िए हमारे साथ इस मंच के माध्यम से, अपनी आवाज आप भी बुलंद कर सकते हैं। 10 महीने किसान आंदोलन को पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार ना तो बातचीत को तैयार है और ना किसान पैर पीछे करने को तैयार है, दोनों ही अड़ियल व्यवहार अख्तियार किए हुए हैं। अगले दर्शक मंजीत सिंह राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत जी, क्या कुछ इस मुद्दे पर कहना चाहेंगे? मैम देखिए, एक साल हो चुका है धरना चलता हुआ किसानों का, लेकिन जिस तरह से यह होना चाहिए हो नहीं रहा, एक राजनीति का काम चल रहा है जी। तो मुझे लगता नहीं है कि इनका कुछ होगा, क्योंकि आगे सरकार बदल रही है 2022 में आ रही है, तो इनको चाहिए कि उसको लेके बात करें, तभी कुछ हो सकता है किसानों का। मंजीत जी, क्या लगता है आपको, क्या सरकार मानेगी बिना शर्त के बात करने के लिए और क्या किसानों की बातें मानी जाएंगी? तो ये वहाँ पे राजनीति चल रही है किसानों की कोई भी बात नहीं हो रही, तो जब तक इनका इकट्ठ जोड़ नहीं होता तब तक कुछ नहीं हो सकता इनका। तो मैं आपका न्यूज़ देख रहा था तो मैंने आपको कॉल किया। ठीक है जी, ठीक है मंजीत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इसी तरह से लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़िए हमारे साथ। लगातार फोन लाइन्स हमारी खुली हैं, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। फोन लाइन के जरिए जुड़िए हमारे साथ, अपनी आवाज़ इस मंच के माध्यम से बुलंद करिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करिए। आखिर कब तक सड़कों पर किसान डटे रहेंगे, मानेगी सरकार या लौटेंगे किसान? सबसे लंबा आंदोलन और अब इस आंदोलन का क्या होगा, ये सरकार और किसानों के हाथ में है। आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर? अगले दर्शक जलाल हमीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जलाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे किसानों के मुद्दे पर? हम किसानों दिया जो मुद्दा ने जायज ने यह सरकार नु मान लेनी चाहिए, हिंड नहीं करनी चाहिए जी। हाँ, मैं कहना चाहना जी रमेश कुमार दी, जो जेडिया किसानों दी मंगा ने मन लेनी चाहिए ने। हाँ, सरकार हिंड करके बैठी हुई है, इदा नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार नु गंभीरता नाल लेना चाहिए। किसान किन्ने हजारे हुण मर गए, हजारे पहला मरी जा रहे, सरकार नु सोचना चाहिए, इन्हों का हक इन्हों नु देना चाहिए। सारी दुनिया हिंदुस्तान दे विच आपो आप हक लैंदी है, ये किसी मूहरे जाके फसल सिट दिंदे ने, उह रेत दिंदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो फिलहाल के लिए हक की बात में मेरे साथ बस इतना ही, कल एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ, नमस्कार। की बात।